चंबा की सपड़ी मोहल्ला में बने पार्क का डंगा गिरने से सड़क पर खड़ी एक स्कूटी और एक बाइक भूस्खलन की चपेट में आने का मामला सामने आया है। यह हादसा सुबह करीब 8:30 बजे घटा, जब एक जोर की आवाज आई और लोगों ने देखा कि डंगा गिर गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से चंबा में भारी बारिश हो रही है, जिस कारण इस पार्क का डंगा गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद निशा बड़ियाल और व्यापार मंडल के प्रधान वीरेंद्र महाजन मौके पर पहुंचे। मामले की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि घटना में डंगा गिरने के कारण एक बाइक और एक स्कूटी को नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने नगर परिषद चंबा से अपील की है कि जल्द से जल्द इस डंगे के कार्य को करवाया जाए, ताकि इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आज सुबह कोई 8:30 बजे के करीब मैं भी मंदिर जा रहा था, तो अभी ऊपर मंदिर पहुंचा था तो एक बड़ी जोर से आवाज हुई, तो हमने देखा कि ये जो पार्क का डंगा है ये गिरा है। ये तो चलो कुदरत क्या हुआ है कि बारिश लगी हुई है उससे हुआ है, मगर हम नगर परिषद व प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अब जो है इसको अच्छी तरह से डंगा जो है लगाया जाए, क्योंकि ये बाकी का भी डंगा जो है ये दिखाई दे रहा है ये भी गिर सकता है, क्योंकि काफ़ी पुराने ये बने हुए हैं, तो इसमें कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। अभी तो भगवान का शुक्र है कि कोई ऐसी जान माल की हानि नहीं हुई है। अदरवाइज यहाँ पे स्कूल है, बच्चे सुबह स्कूल को जाते हैं उसी वक्त स्कूल का टाइम होता है, तो कुछ भी हो सकता था। तो हमारी ये नगर परिषद से प्रशासन से ये मांग है कि इस पार्क को पुनः जो है व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए। यहाँ बच्चों के झूले वगैरह जैसे चुवा नंबर 4 में लग रहे हैं, अच्छे से झूले लगें, क्योंकि ये शहर का ये भी एक सेंटर प्लेस है और यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने को। यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं, तो बड़े ये हमारी मांग रहेगी कि यहाँ पे अच्छे से झूले लगाए जाएँ बच्चों को, और ये जो डंगा पक्का किया जाए। और दूसरा, ये जहाँ हम खड़े हैं ये जो सड़क जा रही है आगे से ये डंगा भी खुल चुका है, यहाँ भी कोई वारदात किसी वक्त भी हो सकती है। हम प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि इसके बारे में भी विचार किया जाए, क्योंकि आज या कुछ सालों बाद ये भी घटना घट सकती है। ये नीचे से देखने से पता चलता है कि ये वाला डंगा जो है ये भी बाहर को निकल रहा है, और किसी किस्म की इसमें घटना होने की संभावना है। तो बाकी हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि भाई समय अनुसार इनको जो है ठीक किया जाए। सर कितना कर नुकसान हुआ है लगभग? सर ये तो अब एस्टिमेट कमेटी वाले लगाएंगे, नुकसान तो काफ़ी है, पर चलो हम तो ये सोचते हैं कि इतना बचाव हो गया कि किसी को लगी नहीं। ये 2 बाइकें नीचे दबी हैं, ये यहाँ के वो हैं लोगों की हैं, ये नुकसान हुआ है पहले तो, बाकी जो डंगा है ये तो अब कमेटी वाले देखेंगे कितना नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ है इसका। मगर हम तो ये कहते हैं कि अब जो काम हो सही ढंग से हो, कि जो मटेरियल लगे ठीक ढंग से लगे, कि दोबारा कोई ऐसी मिसहैपनिंग ना हो।